बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वो डार्विन की जर्नी के बारे में है, ठीक है। कि जो डार्विन की अर्ली जर्नी थी और उसके बाद जो है उसके अर्ली ईयर्स और अर्ली जर्नीस की वो कैसी थी, ठीक है। जो हमारे पास डार्विन था, डार्विन एक्चुअली हमारे पास जो था, डार्विन ने हमें एवोल्यूशन का बताया था और एवोल्यूशन का हमें इसने हमारे पास जो आजकल हम थ्योरी मानते हैं नेचुरल सिलेक्शन वाली, वो जो थ्योरी है वो हमें डार्विन ने ही दी थी, ठीक है। उसका जो आइडिया ओरिजिनेट किया था वो डार्विन ने किया था। डार्विन का एवोल्यूशन के अंदर जो है बहुत बड़ा काम है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब वो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको जो है अभी तक जो है उसको वो हमारे पास जो है हमारे पास मोस्ट एप्रिसिएबल जो है हमारे पास जो है वो थ्योरी। अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास जो डार्विन की जर्नी थी स्टार्ट कैसे हुई थी, ठीक है। वो हमारे पास एवोल्यूशन की तरफ या टुवर्ड एवोल्यूशन किस तरह गया था, फिर उसने जो हमारे पास था उसने जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था फिंचेस वाला, ठीक है। तो उसने गैलापागोस आइसलैंड पे एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, वो जो है उसने वो कैसे दिया था, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है इतना आपको याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है, वो आप लोगों ने समझ लेना है। अब देखो जो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, वो हमारे पास 12 फरवरी 1809 में जो है उसकी बर्थ हुई। अब देखिए उसका जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डार्विन के ग्रैंड फादर थे, ठीक है, एरास्मस डार्विन, इन वो भी हमारे पास उन्होंने भी हमें जो था उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हमें ओरिजिन का और चेंज का, ठीक है। उन्होंने ओरिजिन और चेंज के बारे में बताया था। तो अब अपने जो है वो इसका मतलब ये है कि वो अपने ग्रैंडफादर की तरह वो भी एक फिजिशियन था, ठीक है। अब जब हमारे पास जब डार्विन जब जो है वो अपना जब यंग एज में था ना, तो उसने जो है फिर एक श्रू बड़ी इंग्लैंड है हमारे पास जो है वो जो है एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके उसने एडमिशन लिया, वो हमारे पास था वो डॉग के बारे में था, ठीक है, वो डॉग्स के बारे में था, उनको कलेक्ट करते थे और हंटिंग बर्ड्स के बारे में। तो अब ये हमारे पास होता है ये ऑल पॉपुलर टाइम पास टाइम है हमारे पास था ये 19th century इंग्लैंड में। अब ये जो एक्टिविटीज़ थी जो है वो उसको ये ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, ठीक है, उसकी, क्योंकि ये हमारे पास होता है इंग्लैंड में ये ट्रेडिशनल जो है वो एजुकेशन चल रही थी। लेकिन जो है वो फिर उसके बाद जो था उसके बाद ये ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, उसके बाद था ये बोर्डिंग स्कूल में चला गया। जब उसकी एज 16 हुई तो उसने जो है एडिनबर्ग में एक मेडिकल स्कूल था उसके अंदर एडमिशन लिया। जब आफ्टर 2 ईयर्स उसने मेडिकल्स को स्टडी किया, ठीक है, मेडिकल स्टडी की, लेकिन जो था कि वो जो डार्विन था उसका इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल के अंदर, ठीक है, डार्विन का इंटरेस्ट था इसके अंदर नहीं था, क्योंकि वो जो था वो उसका डार्विन का इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि वो साइट ऑफ पेन का बियर नहीं था कर सकता, वो किसी को जो है वो दर्द में नहीं था देख सकता। फिर उसने क्या किया कि उसने जो है अपने फादर की तरह जो था उसने अपने फादर की तरह जो है उसने फादर की तरह जो है अपने उसने फादर को बताया और उन्होंने क्या किया कि उसको जो है उसको चर्च ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ भी हमारे पास जो कैलगरी होती है, कैलगरी हमारे पास जो है ये पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास कैलगरी हमारे पास ये आर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चार्ल्स जो था कैलगरी के बाद चार्ल्स जो था फिर हमारे पास इनरोल्ड हुआ क्रिस्ट कॉलेज में, ये हमारे पास कैम्ब्रिज में है। उसने फिर वहाँ पे ग्रेजुएट किया 1831 में। ग्रेजुएट के बाद जो था उसने जो है मेडिकल ट्रेनिंग हासिल की। लेकिन जब उसने मेडिकल ट्रेनिंग हासिल की तो वो इतना ज़्यादा था उससे हैप्पी नहीं था, ठीक है, वो जो है इतना ज़्यादा था वो खुश नहीं था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो था कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट के साथ जो था उसने दोबारा अगेन एक्सपीरियंस किया, ठीक है। जब उसने एक्सपीरियंस किया तो उसका जो फिर जब उसका जब उसने अगेन एक्सपीरियंस किया तो उसका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ हमारे पास जो डेवलप हुआ कलेक्टिंग बीटल्स पे, ठीक है, बीटल्स को कलेक्टिंग करने पे, क्यों, क्योंकि ये था बीटल को उसने कलेक्ट किया। बीटल को कलेक्ट करने के बाद जो था उसने बीटल की एनाटॉमी, ठीक है, बीटल की जो एनाटॉमी थी हमारे पास, बीटल हमारे पास इंसेक्ट्स है, ठीक है, हमारे पास बीटल इंसेक्ट्स होता है, तो उसने बीटल की जो एनाटॉमी थी उसके वो जो था वैल्यूएबल जो था उसने फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ के, इसमें जो इतना समझने वाला कुछ नहीं है, बस रीडिंग ही है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वॉज बॉर्न इन फेबर 1809। इज फादर लाइक हिज ग्रैंड फादर वॉज अ फिजिशियन, का था जिसका बाप था वो अपने अब्बू की तरह
एक फिजिशियन था। ड्यूरिंग डार्विन्स यूथ इन द श्रूबरी इंग्लैंड इज इंटरेस्ट सेंटर्ड अराउंड द डॉग। अब जिसका जो हमारे पास था वो हम इंग्लैंड में था, जो उसका इंटरेस्ट था वो डॉग्स में, ठीक है, उनको कलेक्ट करने में और हंटिंग बर्ड्स में, ठीक है, डॉग्स कलेक्टिंग एंड द हंटिंग बर्ड, इसका इंटरेस्ट था वो इन तीन चीज़ों के साथ इस ग्रुप था वो घूमता था। ऑल पॉपुलर पास टाइम इन द वेल्दी फैमिली ओवर 19th century इंग्लैंड। ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास पॉपुलर फैमिली तो 19th century की थी, ठीक है, ये पास टाइम में था, ये सारा सारा था, ये वहाँ की जो थी कि एजुकेशन थी, ठीक है। दीज एक्टिविटीज कैप्टिवेटेड हिम फॉर मोर देन द ट्रेडिशनल एजुकेशन ही रिसीव्ड। कहता है कि अब जो हमारे पास अब जो उसकी एजुकेशन थी, ठीक है, जो उसकी एजुकेशन थी उसने जो है उसको कैप्टिवेट किया, क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशन चल रही थी वो पास टाइम की जो थी वो एजुकेशन जो थी वो चल रही थी। एट द एज ऑफ 16, 1825 ही इंटर्ड मेडिकल स्कूल इन द एडिनबर्ग। तो वो फिर हमारे पास एज ऑफ 16 में वो एडिनबर्ग में था मेडिकल स्कूल, उसके अंदर उसने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद एडिनबर्ग स्कॉटलैंड फॉर 2 years इंजॉयड द कंपनी ऑफ द स्कूल वेल एस्टेब्लिशमेंट साइंटिस्ट। उसने फिर क्या किया कि उसने 2 साल थी वो जो साइंटिस्ट थे उनकी कंपनी को एंजॉय किया, ठीक है। डार्विन हाउएवर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अ करियर ऑफ द इन द मेडिसिन। कहता है उसने 2 साल वहाँ पे पढ़ा तो ज़रूर, लेकिन जो डार्विन था वो मेडिसिन की जिससे करियर में था उसका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। रीज़न उसने क्या, बिकॉज ही कुड नॉट बियर द साइट ऑफ पेन, क्योंकि था वो जो साइट ऑफ पेन थी उसको था वो बियर नहीं था कर सकता। दिस प्रॉम्प्टेड हिज फादर, उसके बाद क्या किया उसने अपने फादर को बताया कि जी मेरे पास ये रीज़न है, ठीक है, टू सजेस्ट डैट ही ट्रेन फॉर द कैलेगरी इन द चर्च ऑफ द इंग्लैंड। फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद था उसको कैलेगरी में जो था इंग्लैंड में एक चर्च है, ठीक है, उसके अंदर था उसने जो उसको उसकी कैलेगरी में ट्रेन किया, पेंटिंग में ट्रेन किया, ठीक है। विद दिस इन माइंड चार्ल्स इनरोल्ड एट चरिस्ट कॉलेज इन कैनेडा कैम्ब्रिज एंड ग्रेजुएटेड विद द ऑनर्स। कहता अब ये जो था उसने अब कैलेगरी को अपने माइंड में रखी, तो उसने क्या किया फिर उसने एडमिशन लिया 1831 में और उसने ग्रेजुएट किया 1831 में ऑनर्स में। द ट्रेनिंग लाइक द मेडिसिन ट्रेनिंग ही रिसीव्ड। कहता है उसने ट्रेनिंग जिस तरह ट्रेनिंग की थी उसी तरह जो था मेडिसिन जिस तरह ट्रेनिंग की थी उसने जो है वो मेडिकल ट्रेनिंग उसने रिसीव की, ठीक है, मेडिकल के वो क्या उसने रिसीव किया कि अब देखिए उसने उसके अंदर एडमिशन लिया उस कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने उसको मेडिसिन का सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, कि जो था कि ये जो है ये मेडिसिन एक्सपर्ट है, ये फिजिशियन है। ये वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर डार्विन। कहता लेकिन जो उसने जो उन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसके लिए वो था वो डिसअपॉइंटेड था। अगेन हिज मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस वाज दोज विद द कैम्ब्रिज साइंटिस्ट। कहता जो उसका मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा अपने इस पूरे एजुकेशनल करियर में वो था कैम्ब्रिज के जो टीचर्स थे उनके साथ ड्यूरिंग हिज स्टे एट द कैम्ब्रिज। डार्विन कहता कि कैम्ब्रिज जो हमारे पास जो था ये जब कैम्ब्रिज हमारे पास जो था ये डार्विन था जब हमारे पास कैम्ब्रिज में था इसका जो स्टे था। डार्विन डेवलप अ कीन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बीटल्स। को डार्विन का जो कीन इंटरेस्ट था मतलब बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट का जो डेवलप हुआ वो बीटल को कलेक्ट करने में, ठीक है, बीटल हमारे पास इंसेक्ट्स है एंड मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू बीटल एनाटॉमी। और उसने क्या किया फिर उसने जब उसने बीटल को कलेक्ट किया उसकी एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद था उसने वैल्यूएबल था अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज हाइपोथेसिस अपनी जो है वो रिसर्च वगैरह थी वो उसने उसके अंदर की, ठीक है, अपने जो साइंस कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट के साथ मिलके। अब हमारे पास था नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है वॉयेज ऑफ द HMS बीगल। कि ये वो हमारे पास वो अब वो इसके अंदर जो बताया जाएगा इसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो कैम्ब्रिज था वो गैलापागोस आइसलैंड पे कैसे गया, किसने उसको भेजा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसने वहाँ से क्या ऑब्जर्व किया। अब देखिए कि अब जब हमारे पास जो कैम्ब्रिज का एक टीचर था, ठीक है, कैम्ब्रिज मेंटोर था उसका एक, वो एक्चुअली था बोटैनिस्ट, ठीक है, उसका नाम था जॉन एस हेंसलो। इसने क्या किया कि इसने जो है वो डार्विन को एक मैप दिया, ठीक है, डार्विन को क्या किया उसने एक वर्ल्ड मैप दिया और उसको न्यूट्रलिस्ट, ठीक है, उसने क्या किया उसको सॉरी नेचुरलिस्ट सेलेक्ट किया कि तुमने जो है उसने एक मैप दिया, मैप के बाद उसने क्या किया कि आपने जो है डार्विन ने जो है एक नेचुरलिस्ट के तौर पे सर्व करना, ठीक है, उसने नेचुरलिस्ट का वो होते हैं जो लोग नेचर को पढ़ते हैं नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है,
तो अब देश ने एज ए नेचुरलिस्ट जो उसने एक्ट करना, तो जब नेचुरलिस्ट एक्ट वो कैसे करेगा कि वो जो है उस मैप को देखेगा और फिर उस मैप पे जो जो रीजन जो जो एरियाज लिखे हैं फिर वो जाकर उनको डिस्कवर करेगा। ठीक है, जब उनको डिस्कवर करेगा फिर वो बता सकता है ना अफ्रीका का ये, अफ्रीका में ये इन्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ये है, एशिया में ये है, नॉर्थ अमेरिका में ये है, साउथ अमेरिका में ये है, इस जगह पे ओशन थे, वो पैसिफिक ओशन इस जगह पे है, ठीक है, इंडियन ओशन इस जगह पे है, ये सारा संस्था ये उसने डार्विन को काम दे दिया कि उसने जो है वो नेचुरलिस्ट एक्ट करना है। तो फिर क्या किया, तो फिर इसका मतलब ये था कि उसने वर्ल्ड टूर करना है, तो उसने फिर वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया। ठीक है, अब डार्विन जो था उसने फिर एज ए नेचुरलिस्ट था वो सबसे पहले जो गया HMS बीगल पे। ठीक है, ये हमारे पास था जब वो गया, वो 27 दिसंबर 1831 जो कि 5 साल का था, 5 साल का था इसका ये टूर था। ठीक है, 5 साल का टूर था उसका, कि 5 साल का टाइम लगता था वो, इसका मतलब होता है बहरी जहाज भी जाना, उसे 5 साल लगते जब जाने में। अब डार्विन ने फिर क्या किया कि उसने जो था उसके अंदर जो था जब उसने अपना ये जो ये ट्रैवलिंग उसको कंटिन्यू किया और उसके अंदर था उसने डिफरेंट कलेक्शंस की। ठीक है, जो जो उसको मिलता गया उसने क्या करते गया, वो कलेक्ट करता गया। अब जब वो उस वॉयज पे जब फिर वो उस बहरी सफर पे पहुंचा ना, उस जो वॉयज था उसने उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उसको समझने की चीज़ें, उसको देखने की चीज़ें, उन्होंने जो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का बताया, उस समझने की चीज़ें बताई कि फ़लाँ जगह पर ये चीज़ प्रेजेंट है, फ़लाँ जगह पर जो है ये चीज़ प्रेजेंट है। जिस तरह उसने एक्सप्लोर किस तरह किया, उसने जो है एक्सप्लोर किया उसको रेनी सीज़न को, बारिशें की, ठीक है, रेनी सीज़न को, कि यहाँ पे किस तरह में कैसे बारिशें होती हैं। जिस तरह हमारे जो है कोई आए हमारे पाकिस्तान में, तो जो हमारे पास जो सयाह होते हैं जिनको हम कहते हैं टूरिज़म होते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं ना कि पाकिस्तान का ये एरिया जो था यहाँ पे ये टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना रेनफॉल इतनी मिलीमीटर होती है, यहाँ को जो यहाँ पे सर्दी होती है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो था ये हमारे पास था ये पोलर रीजन्स के पास आता है। ठीक है, यहाँ पे ठंड होती है, ये मैदानी इलाके हैं, बस्ती मैदान, ये सारे सारे क्या ये हमारे पास था, ये एक्सप्लोर करना। ठीक है, उसने एक्सप्लोर किया रेन फॉरेस्ट को, रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया, फॉसिल्स को देखा उसने, एक्चुअली फॉसिल्स को देखा कि हमारे पास जो फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, डेड रिमेन्स। ठीक है, डेड रिमेन्स को उसने देखा, उसको पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ें हैं। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस को, कि हमारे पास होता है वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, हमारे पास अर्थक्वेक कैसे आता है, लावा, फिर हमारे पास लावा मैगमा, ये सारा वॉल्केनिक इरप्शन, उससे फिर हमारे पास लेक्स बनती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर बॉडीज़, ये जो ये ना 5 ईयर्स का था तो सफ़र, ट्रैवलिंग थी उन 5 सालों में उसने, क्योंकि जिस जिस जगह से भारी जहाज गुजरा है वहाँ वहाँ से क्या किया, स्टे भी तो करते हैं ना, अब कंटिन्यू ट्रैवल तो नहीं ना होता, तो क्या है फिर कि वो जो है उस सफ़र ने जो था उसको इन चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, इस ट्रैवल ने क्या किया, उसको इन चीज़ों के बारे में बताया, इन्वायरमेंट का, क्योंकि जाहिर सी बात उसके पास मैप था, दुनिया का मैप था। ठीक है, उसके पास क्या था, मैप था, उसने उस मैप को ही स्टडी करना था, उस मैप के अकॉर्डिंग वो फिर जहाँ जब गुजरता गया उसको पता चल गया ये फलानी जगह, यहाँ पे इनका इन्वायरमेंट ऐसा, क्लाइमेट ऐसा, फॉसिल जहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ऐसी होती है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारे पास जो वॉल्केनिक पीक्स हैं वो साउथ अमेरिका में ज़्यादा हैं, जो हमारे पास कॉरल्स हैं हमारे पास वो हमारे पास साउथ पैसिफिक में ज़्यादा है। अब जो इसका, और उसके बाद फिर हमारे पास जब वो गैलापागोस आइलैंड पे, उसने 5 वीक्स मतलब एक महीना 8 दिन, ठीक है, 1 महीना 8 दिन स्पेंड किया गैलापागोस आइलैंड पे। वहाँ पर उसने क्या किया, उसने देखा कि हमारे पास जो था कि वहाँ पर हमारे पास गैलापागोस आइलैंड है, वहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ आइसलैंड 90 किलोमीटर है, वो 90 किलोमीटर पर ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, वहाँ पर आइसलैंड जजीरे का जजीरे ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें हर आइसलैंड का टेम्परेचर डिफरेंट है, उसका हर आइसलैंड का जो था वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ पर जो था टेबिलिटी, वाटर लेवल, हर चीज़ थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, फॉसिल्स सही है। और तब जब इसने जो किया था, उसने ऑब्जर्व, वहाँ पर उसने जो हर आइसलैंड के प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ डिफरेंट है, तो तब उसने क्या किया, सारे के सारे का उसने वो स्टडी किया। ठीक है, तब था उसने भी स्टडी किया एनिमल, इन्हें हमारे पास की आइसलैंड की एनिमल लाइफ को, प्लांट लाइफ को, तब जो हमारे पास डार्विन की एज 27 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, और उसके बाद जितने अपने रेस्ट ऑफ लाइफ थे ना, जितने बाकी जितनी ज़िंदगी थी, उन्होंने जो था उसने भी क्या, जाहिर सी बात है 5 साल उसको जाने में लगे, 5 साल वापस आने में लगे, उसने 1 महीना 8 दिन उधर आइसलैंड पे गुजारे, तो
तो देखें उसके पास था बहुत कुछ कलेक्शन, साथ ही साथ कलेक्शन करता गया। उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ द कलेक्टिंग बॉडीज आ गई, ठीक है। फिर उसने जो अपनी डेस्ट ऑफ टाइम था ना अपनी लाइफ का, उसने उन स्पेसिमन को स्टडी करते हुए गुजारा, ठीक है। उन स्टडी में स्टडी किया, उनको उन जो उसने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग देयर ट्रैवलिंग उसको स्टडी किया, दोबारा से स्टडी किया, ठीक है। उसने फिर न्यू ऑब्जर्वेशन बताई, अच्छा अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, अगर चीज़ ऐसे तो फिर ऐसे क्यों नहीं हुई, रीज़न तो है ना। कहते हैं ये लाइन सीधी सीधे जा रहा है रास्ता, इधर से क्यों नहीं जा सकता, राइट हैंड क्यों नहीं जा सकता। हम लोग न्यू ऑब्जर्वेशन न्यू हाइपोथेसिस हमारे पास आए सारे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इस सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उसने हमें पास जो है उसने भी ओरिजिनल स्पीशीज बताया बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तब उसने इन सबको पढ़ने के बाद उसने नेचुरल सिलेक्शन ही हमारे पास जो थ्योरी दी थी, ठीक है। जो हमारे पास थ्योरी उसने पब्लिश की हमारे पास थी वो 1859 में आई थी, और इसने बायोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, मतलब उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था कि ये कुछ नया ही आ गया है, ठीक। क्योंकि उसने उसका जो था वो आप देखें उसका जो टाइम था बहुत ज़्यादा टाइम था उसका जो था उसका वो रिसर्च में गुजरा। उसके बाद जब उसने रिसर्च गुजरा उसके बाद उसने जब उसको स्टडी किया उसके ऊपर नोट्स बनाए सारा का सारा क्या है, ठीक है। तो अब ये जो था अब इसने जो था उसको जो था अब ये हमारे पास उसके बाद फिर तो बहुत ज़्यादा उसने फिर उसके पास कलेक्शन बहुत थी, ठीक है। अब वो जो कलेक्शन थी हमारे पास उस कलेक्शन ने जो था उसको जो था वो उसको फिर उसने फिर हमें थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, वन ऑफ हिज कैम्ब्रिज मेंटोर अ बोटैनिस्ट बाय द नेम ऑफ द जॉन एस हेंसलो नॉमिनेटेड डार्विन टू सर्व एज अ नेचुरलिस्ट ऑन अ मैप ऑन अ मैपिंग एक्सपेडिशन डेट वाज टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसने मैप दिया कि उसने जाओ अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करना है। डार्विन वाज कमिशनाइज एज अ नेचुरलिस्ट ऑन द HMS बीगल, ठीक है, विच सेट सेल ऑन December 27, 1831 ऑन अ 5 years ओल्ड वॉयेज। तो वो क्या किया उसने जो है वो 27 September 1831 को जो है वो निकला, 5 अर्सा लगता था, ठीक है। वो 5 का टाइम लगता था उस पर वॉयेज पे, ठीक है। तो वो एज अ नेचुरलिस्ट जो था वो हमारा अपॉइंट हुआ, ठीक है। उसके पास मैप था, उसने जो था फिर होम सॉरी वर्ल्ड ओवर करना था। डार्विन हैड विद रूटीन से सेफ हेडिंग टास्क एंड मेड न्यूमरस कलेक्शन विच ही सेंट टू कैम्ब्रिज, कहता है। उसके बाद क्या किया कि उसने जो था उसने कलेक्शन की, ठीक है। उसने जब कलेक्शन की जिस रास्ते से गुजरता था उस सारे जो कलेक्शन उसने कैम्ब्रिज भेजी, क्योंकि कैम्ब्रिज में उसका मेंटोर था जिसने बोटैनिस्ट था जॉन जिसने जो है उसको एज अ नेचुरलिस्ट था अपॉइंट किया था, ठीक है। द वॉयेज गिव हिम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहता है। जिसको सफ़र था उसने जिसको अपॉर्चुनिटी दी कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखे, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो था ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे जहाँ हम जो है वो रेन फॉलिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फॉसल बेड्स, फॉसल ओरिजिनेशन ऑफ फॉसल बेड का मतलब फॉसल बने कैसे हैं, बनते कहाँ से हैं, फिर और उसके बाद कितना टाइम लगता है इसको, ठीक है। पहले कैसे थे अब कैसा है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है। एंड द वॉल्केनिक पीक ऑफ द साउथ अमेरिका, जो हमारे पास थी वॉल्केनिक पीक साउथ अमेरिका की वॉल्केनिक पीक्स को देखा उसने स्टडी किया, ठीक है। वॉल्केनिक पीक्स हमारे पास होती हैं हमारे पास जो अर्थ डिस्क होती है ना, ठीक है, जो जमीन की डिस्क होती हैं, ये जब टेम्परेचर अंदर ज़्यादा तो वो हिलती हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो जलजल आता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन एंड कोरल अटॉल जो साउथ पैसिफिक, और जो कॉरल्स हमारे पास कॉरल्स होते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स वगैरह, ठीक है। उसने फिर साउथ पैसिफिक में कॉरल अलॉट्स को देखा, ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस को देखा, उसने फॉसिल बेड्स को देखा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डार्विन स्पेंट 5 weeks ऑन गैलापागोस आइलैंड, कहता हूँ जो इम्पोर्टेंट ये था हमारे पास फिर जो हमारे पास जो डार्विन था डार्विन जो है 5 weeks स्पेंड किए, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ द वॉल्केनिक आइसलैंड 900 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूकेडर, कि हमारे पास था कि जो उसके पास था वॉल्केनिक हमारे पास थे आइसलैंड में हमारे पास था उसके पास वो ग्रुप ऑफ द आइसलैंड था जो कि 90 किलोमीटर थे उसकी दूरी पर 90 किलोमीटर था एक दूसरे के 90 किलोमीटर था उनका जो डिस्टेंस है वहाँ पे साढ़े साल था वो आइसलैंड ही आइसलैंड था, ठीक है। सम ऑफ हिज मोस्ट रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ केम फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ ऑफ दीज आइसलैंड, कब तक जो उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए ना वो जो था वो जो सारे आइडियाज़ थे वो उस जो उसने टाइम गुजारा ना
गैलापागोस आइसलैंड पे, वहाँ से आए हैं क्योंकि उसने वहाँ पे उनका इक्वेटिक फाना देखा, सॉरी फाना फ्लोरा देखा, एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ को देखा उसने कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से जैसा वहाँ पे जो था वो प्लांट्स है, ये चीज़ें जो थी उसने जो है इनके अंदर जो था देखा। जाहिर सी बात है अब ग्रुप ऑफ द आइसलैंड है, हर आइसलैंड का जो था वो प्लांट लाइफ डिफरेंट है, एनिमल लाइफ डिफरेंट है, ठीक है, हर की प्लांट लाइफ डिफरेंट है, हर एक की एनिमल लाइफ, अब हर एक की एनिमल लाइफ को प्लांट लाइफ को स्टडी करना जो था ये मुश्किल है, ठीक है। उसने वो फिर वहाँ से मुश्किल है और हमारे पास बहुत ज़्यादा जो लिस्ट बनती है, ठीक है, तो इसलिए उसके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन की जो थी ह्यूज अमाउंट आ गई। डार्विन वॉज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, तब डार्विन था हमारे पास 27 साल का था सिर्फ। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एग्जामिनिंग स्पेसिमन, तो उसने क्या किया जो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ थी उसने किस्सा गुजारे के जो स्पेसिमन वो लेके आया था गैलापागोस आइसलैंड से वॉयेज के दरमियान जो स्पेसिमन लिए थे उसको उसने स्टडी किया, ठीक है, री रीडिंग नोट्स, उसने जो नोट्स बनाए थे उनको दोबारा पढ़ा, ठीक है, जैसे जिस तरह आप पढ़ते जाते हैं ना एक टॉपिक को बार बार, आपको आप एक दफ़ा पढ़ते हैं आपको कुछ समझ नहीं, दो दफ़ा पढ़ते हैं 2% समझ आती, 3 दफ़ा पढ़ते हैं 10% समझ आती, जब आप 6 से 7 दफ़ा पढ़ते हैं तब आपको 100 times आपको तकरीबन आराम से समझ आ चुकी होती है। इसका मतलब क्या है, दो बार बार पढ़ने से क्या होता है आपको कुछ ना कुछ नई बात पता चलती है, क्लू मिलता है, आप कहते हैं 6 टॉपिक ये लाइन इसने लिखी थी तो ये ऐसे है, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी दफ़ा जो है आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। मेकिंग न्यू ऑब्जर्वेशन, उसने फिर क्या किया, उसने न्यू ऑब्जर्वेशन बनाई, जाहिर सी बात है कि जो जब उसके पास कलेक्शन थी तो वो उसने जैसे उसको पढ़ता गया उसके दिमाग में बातें आएंगी, अच्छा तो ये ऐसी है तो फिर ये ऐसे हुआ होगा और नेक्स्ट ऐसे हो सकता है, ठीक है, पास्ट का भी बताया उसने, फ्यूचर का भी बताया, एंड मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग न्यूमरस पब्लिकेशन, और उसने थी वो पब्लिकेशन थी, ठीक है, न्यूमरस पब्लिकेशन को प्रिपेयर किया उसने, जब फिर वो पब्लिकेशन न्यू बनाई क्योंकि उसके पास थे नए नए कॉन्सेप्ट आते गए, ठीक है। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, जो उसकी इंपॉर्टेंट हमारे पास पब्लिकेशन थी वो हमारे स्पीशीज़ का ओरिजिन, कि हमारे पास थी वो स्पीशीज़ थी हमारे पास वो किस तरह आई है, स्पीशीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, कि स्पीशीज़ जो थी अर्थ पे या जो गैलापागोस आइसलैंड था उसने वो स्पीशीज़ किस तरह जो थी वो बनी है बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तब फिर उसने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास क्या नेचर सेलेक्ट करती है, जिस चीज़ ने सर्वाइव करना होता है उसको आपकी नेचर सेलेक्ट करती है, अगर तो वो नेचर के सारे सरकमस्टांसिस पे हैजर्ड्स पे पूरा उतर जाता है तो उस सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अगर पूरा नहीं होता तो फिर जो है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसने जो उसने ओरिजिनल स्पीशीज दी नेचर सिलेक्शन के ऊपर वो पब्लिश की 59 एंड रेवोल्यूशनाइज द बायोलॉजी, और उसने बायोलॉजी में एक नई चीज़ आ गई बायोलॉजी के पास कि स्पीशीज का ओरिजिन, जाहिर सी बात है सारे तो ये देख रहे थे ना कि हमारे पास अर्थ पे लाइफ किस तरह ओरिजिनेट हुई है, तो उसने वही काम इसने किया, इसने स्पीशीज का ओरिजिन दे दिया कि स्पीशीज यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है, स्पीशीज का ओरिजिन दे दिया कि स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड कर रही हैं वो स्पीशीज आपके ओरिजिन कैसे हुई हैं, और वो ओरिजिन हो गया फिर वो सर्वाइव कैसे किए और ट्रांसमिट कैसे हुई है, ठीक है, ओरिजिन का फिर उनका नंबर किस तरह इंक्रीज हुआ है, और नंबर से ओरिजिन बताया कि इनका नंबर इंक्रीज हुआ नेचुरल सिलेक्शन के साथ, नेचुरल सिलेक्शन जो है उनको नेचुरल सिलेक्शन में पास हो गई हैं, देन फिर जो वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र वो जो स्पीशीज का जो नंबर है इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैप बताती हूँ जो कि उसको जो वर्ल्ड मैप दिया गया, देखिए अभी हमारे पास मैप है, इस साइड पे हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका के साथ हम अटलांटिक ओशन है, उसके ऊपर इंग्लैंड है, इंग्लैंड को हमारे पास समंदर लगता है, ठीक है, इसलिए इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, साथ में यूरोप के साथ एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका के बाद इंडियन ओशन, फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साइड पे आता है, उसके बाद साउथ अमेरिका गैलापागोस आइसलैंड वाली साइड पर, साउथ अमेरिका वाली साइड पर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऐसा बिला ये हमारे पास सैन क्रिस्टोला चलाम जो है ये हमारे पास किया, ये वो मैप है जो हमारे पास था वो उसने स्टडी किया, डार्विन ने स्टडी किया था, ठीक है, ये हमारे पास डार्विन ने स्टडी किया था 5 years मैपिंग एक्सपेडिशन में सारी तरह। अब डार्विन जो हमारे पास जो इस साल की ऑब्जर्वेशन थी वो एक्चुअली गैलापागोस आइसलैंड की थी, गैलापागोस आइसलैंड से उसने हमारे हमें नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और स्पीशीज का ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया, फिंचेस का बताया, एक्चुअली ये जो है हमारे पास सारा जो है ये उसने गैलापागोस आइसलैंड का, ठीक है, क्योंकि गैलापागोस आइसलैंड पे जाके उसने स्टडी करके रस्ते में उसको जो उसने स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे, ऑब्जर्वेशन ली थी, उसके नोट्स बनाए थे, उसी को उसने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो है फिर उसी पे जो है फिर उसने जो है आपको जो है वो आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो आप लोगों का टॉप जो
आज का लेक्चर बस इतना ही है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह उसकी जो है वो अर्ली डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन में, कि उसके पास एवोल्यूशन के जो डेवलपमेंट थी आइडियाज़ वो आए किस तरह, ठीक है, उसने फिर क्या क्या उसके अंदर चेंजेस की, फिर जियोलॉजी का पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फॉसिल एविडेंसेस के बारे में, ठीक है, फॉसिल के एविडेंस कैसे दिए, उसके बाद गैलापागोस आइसलैंड भी जाएंगे, गैलापागोस आइसलैंड के बाद जाकर फिर हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का बताएंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो कैसे थी और उसने फिर क्या क्या उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू दिए, फिर क्या क्या हमारे पास अडेप्टेशन आई, ठीक है, फिर हमारे पास उसके बाद एक वायरस एक और साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसने हमारे पास थोड़ी सी उसके अंदर जो थी वो चेंजेस की थी, ठीक है, ये सब सारा। और ये टॉपिक जो है ये आप लोगों को मिल रहा है हार्ले फिफ्थ एडिशन में से भी मिल जाएगा और आप लोगों को जो था फोर्थ एडिशन में से भी मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को जो है आपने जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है, ये जो है इसको क्या कहते हैं, इस टॉपिक को आपने पढ़ लेना है, ठीक है, जो हमारे पास था उसका ये वॉयज की स्टडी है, ये ज़रा आपको समझने वाला है, ठीक है। बाकी जो था जो उसका अर्ली जो उसकी एजुकेशनल एज है, एजुकेशनल टाइम पीरियड है, वो जो है इतना जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, और इतना समझने वाला नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे कुछ पूछ लें। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप आपका एवोल्यूशन वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने जो है इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके जी, अगर समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और ये ओके जी, थैंक यू सो मच।